नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने गार्डन के लिए, ग्रो बैग्स के लिए मिट्टी कैसे बनाएं जो कि आने वाले समय इस सीजन में काफ़ी उपजाऊ हो और पौधे हमारे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें इसमें। तो मैं जैसे मिट्टी बनाता हूँ दोस्तों, अब देखिए मैं बना रहा हूँ, अपनी मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि मैं कैसे अपने गमलों के लिए मिट्टी बनाता हूँ, क्या क्या इसमें चीज़ें हमें मिलानी होती हैं जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और बीमारियों से बचे रहें। तो दोस्तों, मैं जो सबसे चीज़ मेन टॉपिक होता है मेरा कि मैं अपने मिट्टी को कितना जितना हो सके उतना हल्का रखूँ, क्योंकि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं और ढेर सारे गमले हमने रख रखे हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मेरे छत पे गमले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो लाइट वेट मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोग भी अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो मिट्टी को जितना हो सके उतना लाइट वेट बनाइए। इसके लिए आप मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि तीन जो मेरे मेन एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं इक्वल अमाउंट में लेता हूँ। 30-30% 30% मैंने लिया है। आप देखिए सबसे नीचे की एक परत मैंने डाल रखी है धान की भूसी, देखिए धान की भूसी, जो कि मिट्टी को सबसे मेन रीज़न होता है इसका कि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्का बनाती है। दूसरे, ये मिट्टी को पोरस बनाती है धान की भूसी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है इसको मिलाने से। और तीसरा दोस्तों, ये धीरे धीरे सड़के कंपोस्ट में बदल जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि कई तरह से हमारी मिट्टी को फ़ायदा पहुँचाती है। जो दूसरा मेरा लेयर है मैंने डाल रखा है वो है नॉर्मल गार्डन सॉयल, जिसे कि मैंने 2 दिन की अच्छी खासी धूप दिखा दी है, उसके बाद मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और तीसरी लेयर मेरी काउडंग कंपोस्ट है, जो आप देखिए बहुत अच्छे से सड़ चुकी है और सड़ने के बाद ये काफ़ी ब्लैक सी हो गई है, बिल्कुल अच्छी सी। तो ये तीसरी लेयर है जिसे मैं इसमें मिलाऊँगा। तो तीन लेयर ये हो गई दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें बोन मील, इस पूरी मिट्टी में मैं ये एक पैकेट का बोन मील पूरा डाल दूंगा और ये एक पैकेट मैं सीविड ग्रैनुअल्स है ये डालूंगा। इसके साथ साथ मैं एक पैकेट ये मेरा फास्फोरस है इसे भी डाल दूंगा पूरी मिट्टी में, अगर आप छोटे कम मात्रा में बना रहे हैं। और एक पैकेट में नीम खली भी इसमें मिलाऊंगा। अगर आप कम मात्रा में बना रहे हैं तो आप 12x12 इंच के ग्रो बैग में ये सारी चीज़ें एक एक मुट्ठी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो फास्फोरस होता है वो मिट्टी में बहुत ज़रूरी होता है पौधों की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए मैं अपनी मिट्टी में पहले से ही मिला लेता हूँ इसे। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद मैं मिट्टी को अच्छे से मिला लूँगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ, मिला लेते हैं हम सीविड ग्रैनुल्स में, चारों तरफ से डाल देंगे। देखिए ये दाने सीविड के अच्छे से इसमें हमने सीविड मिला लिया है। सीविड जो है, जो भी पौधे हम लगाएंगे इसमें मिट्टी में, तो उनको उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी नहीं होने देगा। सीविड ग्रैनुल्स का जो काम होता है कि पोषक तत्व को बनाए रखना मिट्टी में। अब हम फास्फोरस भी डाल लेते हैं इसी में, क्योंकि काफ़ी पाउडर होता है तो ये उड़ता बहुत ज़्यादा है। आप देखिए इस प्रकार से हमने फास्फोरस को इसमें मिला लिया है। फास्फोरस के बाद दोस्तों हम नीम खली भी मिला लेंगे। देखिए नीम खली मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होंगी उससे मिट्टी को प्रिवेंट करेगा और कंपोस्ट का काम तो करता ही है। और उसके बाद हम बोन मील मिला देंगे इस मिट्टी में पूरा एक पैकेट। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ये मिट्टी हमारी अच्छे से हम मिट्टी को मिला लेंगे और मिला के फिर ये हमारी मिट्टी किसी भी गमले में, किसी भी सब्जी के लिए, कोई फल का पौधा लगाना चाहते हैं, कोई सब्जी लगानी चाहते हैं, तो सबके लिए ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की देखिए एक ब्लैक जो भूसी है सड़ी हुई है मेरी, अगर इस तरह की भूसी मिलती है तो ये ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर इस तरह की नहीं भी मिल पा रही है आपको
ताजी भूसी मिल रही है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे वो भी सड़के इसी प्रकार आपके गमलों में बन जाएगी और खाद कंपोस्ट का काम करेगी बड़ी अच्छे से। लेकिन अगर इस प्रकार की ब्लैक कलर की मिल जाती है आपको, जो आधी आधी से ज़्यादा सड़ चुकी है, तो ये हल्की तो उतनी ही होगी, पर ये प्रेजेंट टाइम से ही पौधों के लिए कंपोस्ट का भी काम कर रही है और गमले की मिट्टी को जितना हो सके उतना हल्का तो बना ही रही है। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी बन के पूरी मिल के तैयार हो चुकी है। इसे मैंने कुछ इनमें जो मेरे फ्लावर के लगाने के लिए मैंने पॉट्स ले रखे थे इनमें भर लिए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मिट्टी बिल्कुल रेडी है। चलिए इसमें हम जो हमारे सीडलिंग्स हैं फ्लावर्स की उनको लगाते हैं। तो आप किसी भी तरह की कोई भी फ्लावर्स, फल, सब्जियाँ, कुछ भी इस मिट्टी में आप लगा सकते हैं और ये गारंटी है कि पूरे गर्मियों के सीजन में आपके पौधे में कोई भी फंगस या नमी की वजह से आपका पौधा खराब नहीं होगा। ये वाटर को होल्ड भी नहीं करेगा और पौधे में मिट्टी में नमी को बनाए रखेगा। तो हम इसमें अपना ये प्लांट लगाते हैं, कोलियस का प्लांट है हमारा ये, तो इसको मैं इस उसमें पॉट में लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो थर्मोफॉर्म पॉट है हमारा, इसमें हमने लगा रखा था इसे, और इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इस प्रकार निकाल लेंगे। और आप इस मिट्टी में इस प्रकार से तैयार करिए मिट्टी, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी हो या फल का पौधा हो, आप अपने छत पे ग्रो बैग में इस मिट्टी को भर के उसमें आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना लाइट वेट है, इस गमले का वेट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके छत पे कोई लोड भी नहीं पड़ेगा और आपके पौधे बड़े ही अच्छे से फलेंगे और फूलेंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।